भाई भाइया दे बैरी भी होए ने भाइया ने भाइया तो बाजू भी कुर्बान किते भाइया ने भाइया तो जाना भी कुर्बान कीतिया ने अपनी अपनी फितरत जनाब यूसुफ दे भाई भी ते भाई सन जिन्ना जनाब यूसुफ नु खूद छुटिया ते कबीन भी ते हाबील दा भाई सी किन्ने भाई नु कतल कर दिता ते अब्बास भी ते मेरे हुसैन दा भाई हजरत अब्बास ने बाजू कलम करवा के अहले बैत तो जान पर नजराना पेश करके दसी है कि जो वीरा ते औखी बन जावे ते इंज पालन करी देने इंज भाई पोना निभाई दा है। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे भाइयों आखिरकार हाबील दे सिर ते पत्थर मारिया कबील और पत्थर मारिया कबील फौत हो गया। एक साल तक अपने भाई दा लाशा कंधिया ते उठा के फिर दबिया समझ नहीं आती की करा जमीन ते फिर दबिया। एक साल कुरान कहंदा फतबअत लहू नफ्सहु कत्ताकीहि फक़तलहु फअसबह मिनल खासिरीन फबअथ अल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सवादाकी قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري صوت اخي فاصبح من النادمين। कुरान कहता है एक साल फिरदा रहा आखिरकार उन समझ नहीं आ रही ना रोंदा है कि मैं की कर बैठा क्योंकि जिस वक्त कदर कर लगा सी ते उस औरत दी शक्ल बड़ी खूबसूरत बना के शैतान ने कबील की नजरों ते पेश की थी ताकि ए भाई नु कत्ल कर दे क्योंकि गुनाह ने करवाना सी हुन कत्ल हो गया है। हुन कबील की करदा पिया रोंदा भी है कि मैं की कर बैठा लेकिन समझ नहीं आ रही कि मैं करांगी। आखिरकार कुरान कहता है कि दो कव्वे आए एक कव्वे ने दूसरे कव्वे ने दे नाल फाइट की लड़े दो भी आपस में आखिरकार एक कव्वा जड़ा ना उन्हें दूसरे कव्वे नु मार दिता ते कबील अपने भरा की लाश रख के वेख रहा है सब कुछ। आखिरकार जिस वक्त एक कव्वा मरिया ना दूसरे कव्वे ने अपने पंजिया के नाल खड़ा छोटा जहा कढ़िया तो वो अंदर उन्होंने पा के उत्ते मिट्टी पा दी। दरअसल कुरान कहता कि फिर उन्होंने दसिया असा अल्लाह फरमाता है कि असा दसिया कि इस तरीके नाल फिर तू अपने भरा दफन कर कबर फिर उतो बनना शुरू हुई कबर फिर उतो बनना शुरू हुई इस तरीके ना मेरे दोस्तों आखिरकार ये पहला कतल सी जोड़ा रूहे जमीन ते होया। और फिर हजूर फरमाते ने कयामत तक जिन्ने कतल होंगे कयामत तक जिन्ने कतल जुल्मन होंगे वो जितना कतल करने वाले नु गुनाह उतना ही काबिल नु गुनाह मिलता जाएगा। जिस बंदे ने अच्छाई शुरू की है जिन्नी देर तक वो अच्छाई हुंदी रहेगी वो नेकी दा काम जारी रहेगा। जड़े बंदे ने शुरू की है जिन्ना सवाब अगले नु होगा डबल सवाब उस बंदे नु होगा जिन्ने वो नेकी दा आगाज किया। कतल नासा फरमाया जिन्हें किसी एक नु कतल किया उन्हें समझो कि पूरी इंसानियत नु कतल किया और जिन्हें किसी एक नु जिंदगी दी उन्हें पूरी इंसानियत नु जिंदगी दी पूरी। आज इंशाल्लाह उल अजीज किस्सा है हजरत आदम वाले किस्सा तो सलाम तुहानू सुनाना है और फिर दुनिया ते जेड़ा पहला कतल होया हजरत हबीब अलैहिस्सलातु सलाम वो मुख्तसर जिहा तज़किरा तुहानू सुनाना है। इहदे ज़िमन अंदर दीगर कुछ गल्लां तुहाडे नाल मैं करनियां एक किस्सा बड़ा तवील है लेकिन मैं कोशिश करनी है कि इनू इख्तसारन खुलासा तन तुहाडे सामने अर्ज कर देवा। वैसे तो कई जुमे दरकार ने अगर मुफसल बयान किया जाए कुरान करीम फुरकान हमीद दे पहले पारे विचों आयते करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला फरमांदा है इज़ काल रब्बुक लिल मलाइकति हबीब याद करो ये तो अल्लाह ने फरिश्तियां नु फरमाया सी। हाय हाय
ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰਜਮਾ ਮੇਰੇ ਸੈਯਦ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਸ ਬਮਾਨਾਉਸ ਕੋ ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਆਏ ਹੈ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜਾਇਰੁਨ ਫਿਲ ਅਰਦੀ ਖਲੀਫਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਇਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਾਲੂ ਅਤਜਾਲੂ ਫੀਹਾ ਮੈਂ ਯੁਫਸਿਦ ਫੀਹਾ ਵਯਸਫਿਕੁ ਦਿਮਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖੁਰ ਰੇਜ਼ੀਆ ਕਰੇਗਾ ਵਨਹਨੁ ਨਸਬਹੁ ਬਿਹਮਦਿ ਰੱਬਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾ ਤੇਰੀ ਪਾਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਮਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ نسبح بحمد ربك ونقدس اسی تیری تسبیحاں پڑھنا لے ہاں تیریاں پاکیاں بیان کرنا لے ہاں سونیا اینو نہ پیدا کر خون ریزیاں کرے گا قتل و غارت کرے گا اس واسطے نہ پیدا کر اللہ اکبر لیکن لگے میرے رب نے کی فرمایا اے فرشتیو انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا وا تسی نہیں جان جو میں جاننا وا تسی نہیں جانتا حضرات محترم کیونکہ کائنات کا نظام اللہ نے چلانا سی اور اپنے حبیب دا دنیا تے ظہور فرمانا سی اس واسطے کہنے والا کہندا نا کہ ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے تے دو جگ دی کھیڈ رچائی ہے سونے مدنی دے واسطے کائنات کو اللہ نے بنانا سی المختصر اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کائنات دے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دا خمیر بنان دا ارادہ فرمایا خمیر بنان دا ارادہ فرمایا چار چیزاں نال حضرت آدم والے کی صلی اللہ دا خبیر تیار ہویا کنیاں چیزاں نال بولو سارے کنیاں چیزاں نال چار چیزاں کیڑیاں اگ پانی ہوا اور مٹی چون چیزاں دا مرکب حضرت انسان دیگر مخلوق اللہ نے بنائی کسے نو پانی دا بنایا کسے نو صرف اگ دا بنایا کسے نو ہوا دا بنایا ہوں جنات اگ دے بنے کچھ مخلوق پانی دی بنی لیکن انسان نو حضرت آدم علیہ السلام نو چار چیزاں نال میرے رب نے تخلیق کیتا کنیاں چیزاں نال چار چیزاں کیڑی کیڑی یاد رکھو گل یاد ہو جائے سب نو پانی اگ ہوا اور مٹی تین چیزاں جس وقت پوریا ہوئی تے مٹی رہ گئی کی رہ گئی مٹی رہ گئی اللہ تعالی نے وقتاً فوقتاً فرشتیاں نو مٹی لینے واسطے بھیجیا آخر تے حضرت عزرائیل علیہ السلام جس وقت زمین تے اترے عرض کیتی یا اللہ تیری زمین دے اندر مٹی کتھو لے کے آواں اللہ نے فرمایا میدان عرفات تے چلا جا میدان عرفات تے چلا جا عرفات عرفان دی جمع ہے اور عرفان دا معنی ہوندا ہے پہچان رکھن والا کی معنی ہوندا ہے پہچان رکھن والا گویا اللہ فرما رہا ہے اے مٹی ایتھوں لے کے جا تاکہ میری تے میرے بندے دی پہچان رہے اے دی فطرت اندر اے دے رب دی محبت رہے اے دے پروردگار اے دے پالنہار اے دے پیدا کرنے والے دی محبت رہے اس واسطے مٹی جڑی ہے نا
वह मैदाने इरफात तो ले गई बड़ी खुशबूदार मिट्टी है और जिस वक्त यह मिट्टी लैके हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह पहुंचे अल्लाह ताला फरमाए इजराइल जा फिर आज तो बाद असी तेरी ड्यूटी लगा दी है ये आदम नू हमेशा क्यामत तक तू ही लैके आंदा रहेगा रूह कब्ज करने की तेरी ड्यूटी लगा दी गई है आज तू लैके आए हमेशा और क्यामत तक तेरी ड्यूटी है वे कि तू इंसान की रूह कब्ज करना इन तू लैके आना करना यह ड्यूटी उदो फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की लग गई अलामा जलालुद्दीन सियूती अले रामा तफसीर मंसूर अंदर लिखते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा खमीर बनाया ये बनाया खमीर बनाया और याद रखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा खमीर बनन तो पहले और कायनात बनन तो पहले अल्लाह ने मेरे ते तेरे नबी दा नूर पैदा कर दिता सी भाई तो जूने फरमाया कुन तू फरमाया कि मैं अल्लाह दा नबी उदो सां जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा खमीर पानी ते मट्टी दे दरम्यान सी बैनल माए व तीन फरमाया मैं उदो भी अल्लाह दा नबी सां उदो भी अल्लाह दा नबी सां जिस वक्त खमीर बन गया मेरे रब ने वखलक्तु बियदिया सुभान अल्लाह कुरान अंदर अल्लाह फरमांदा है कि मैं अपने हत्थां दे नाल बनाया बियदिया अपनी कुदरत दे दो हत्थां दे नाल उहदी छाया निशान वखलक्तु बियदिया अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुसलमान भाइयों रब्बे जुलजलाल ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम दे खमीर नू बनावन तो बाद अल्लाह फरमांदा वा खलक्तु बियदिया मैं अपने हत्थां दे नाल अपने आदम नू सजाया अपने हत्थां दे नाल अपने आदम नू सजाया अपने आदम नू बनावन तो बाद 40 दिन तक हजरत आदम दा पुतला बना दिता गया 40 दिन आप दा सिर्फ खाली पुतला बनाया गया 40 दिन तो बाद अल्लाह ताला फरमाता है नफ़क्तु फीही मिन रूही असा अपनी रूह हजरत आदम दे जिस्म अंदर दाखिल फरमा दिती وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي अल्लाह फरमाता है मैं अपनी रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जिसने खाकी अंदर दाखिल की थी जिस वक्त जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी गई इस तो पहले 40 दिन कि तो पुतला बनया रहा फरिश्ते हैरानो शस्तर ने बार बार पुतले की जियारत पे कर देने ते बेंदे ने ते इस गल दे फरिश्ते हैरान ने वेखिए ते सही असी ते मशवरा दिता सी मौला तेरी हमदो सना करने वास्ते असी काफी हाँ लेकिन वेखिए ते सही अल्लाह दे इलम अंदर अल्लाह ने कितना सोहना इंसान बनाना है एक केनिया शाना नाल बनाना है फरिश्ते दिन रात जनाब आदम की जियारत कर देने तवज्जो फरमाना मेरे भाइया आखिरकार मेरे दोस्त फरिश्ते 40 दिन जनाब आदम की जियारत करते रहे लिखिया शैतान शैतान हसद की खातर जनाब आदम की नक तो दाखल होते
मूरा बहर आ जांदा बार बार कहंदा ते वेखदा कहंदा ऐ की बन रहा है मैं ते बड़ा लावां मैं ते बड़ी शान वाला वां ऐ कुछ भी नहीं गड़ा बन वाला ऐ ते कुछ भी नहीं अल्लामा जलाल दुरुसी उत्ती लिख दे ने आखिरकार फरिश्ते हैरान ने कुछ बोलता नहीं गल नहीं करदा हले तक बिल्कुल खामोश है आखिर 40 दिन तो बाद जनाब आदम के अंदर वन फक्त फी में रूही अल्लाह ने अपनी रूह नु दाखिल किया अपनी रूह नु दाखिल किया जनाब आदम के जिस्म जो जान आई हजरत आदम अलैहिस सलाम नु छींक आई तवज्जो फरमाना मेरे भाइयों जिस वक्त छींक आई जनाब आदम की जुबान खुली अगर मजा आवे तो सुभान अल्लाह कमी सखी बंदे नाल मेरी गल ले बखील बंदे नाल गल नहीं ले जनाब आदम अलैहिस सलाम ने किस वक्त छींक मारी रब दे नबी दी जुबान खुली सब तो पहले किड़ा कलमा जुबान तो जारी होया ओ कलमा की है ओ कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने अल्लाह की तारीफ की थी अल्लाह की हमद की थी फरिश्ते हैरान हो गए ते सोची पै गए कहते ने सानू करोड़ा साल हो गए ने रब दियां हमदा बयान कर दिया रब दियां तस्बीहां बयान कर दिया लेकिन सदके जाइए शंज दी तस्बीह ए अल्लाह दे नबी ने अदा कीती है असी करोड़ा सालां विच अज दी तस्बीह नहीं बयान कर सके असी इंज दी तस्बीह बयान नहीं कर सके मेरा दोस्त अल मुख्तसर अल्लाह ताला ने फिर हजरत आदम अलैहि सलाम के अंदर जिस वक्त रूह दाखिल की फरिश्तिया नु आखिया सजदा करो कुरान कहंदे कि जिस वक्त अल्लाह ने सजदे दा हुक्म दिता फसजदू फरिश्तिया ने सजदा किया इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस दे हुण शैतान ने सजदा नहीं किया पढ़िया आ गया तकब्बुर विच आ गया हसद विच आ गया गुरूर विच आ गया पुछिया तू सजदा क्यों नहीं किया कहिंदा खलक तहू मिन नार बखलक तहू बिन तीन मौला मैनू अग दा बनाया ही उन्नू मट्टी दा बनाया ही अग मट्टी तो अफसल होती है इस वास्ते मौला मैं अफसल एदनाए मैं आला हो के अदन सजदा कन करा मेरे दोस्त रब ने फरमाया अल्लाह दा कुरान पढ़ने अल्लाह में फखरुज इन्नका मिन सागिरी अल्लाह ने फरमाया जा दफा हो जा निकल जा मेरी बारगाह वंदों मेरी बारगाह तो बाहर चला जा शैतान लईन हो गया मर्दूद हो गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने फरमाया जा मेरे आदम जन्नत अंदर अंत वज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन्हा रगतन हैसु शिक्तुमा वला तक्रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिन ज़ालिमीन कुरान मदा दे ना जावे ते बोल दे जाओ अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम नु जिस वक्त जन्नत के अंदर दाखिल किया ते दिल नहीं पे लगदा जनाब आदम दा दिल नहीं पे लगदा एक दिन सुत्ते दे वेखिया सरहाने अंदर एक औरत खड़ी है
और खड़ी है पूछया तू कौन है कह लगी मैं हव्वा वा मैं हव्वा वा पैदा गंज हुई है जनाबे आदम दी खब्बी पसली तो अल्लाह ने हजरत हव्वा नु हजरत आदम दी खब्बी पसली तो पैदा कीता खब्बी पसली तो पैदा कीता जनाबे हव्वा जनाबे आदम दे नाल बैठ गईयां ने उलमा लिख देने खब्बी पसली टेढ़ी होंदी है खब्बी पसली टेढ़ी होंदी इस वास्ते कहंदे ने फितरतन फितरतन औरत दा मिजाज थोड़ा टेढ़ा भी हुंदा है औरत दा मिजाज उलट हुंदा है की हुंदा है उलट हुंदा है इस वास्ते हुजूर ने फरमाया वजी हदीस दा मफहूम है कि इस वास्ते नरमी नाल काम लेना है अगर उन्हूं सख्ती करोगे तो जिस तरह एक शाख सुकी होवे तो टुट जाएगी इसे तरह औरत दे मामले दे अंदर नरमी इख्तियार करनी है अगर सख्ती करोगे तो इस वास्ते तुहाडा मामला खराब हो सकता मामला खराब हो सकता इस वास्ते खब्बी पसली तो हजरत हव्वा दी विलादत हुई हजरत हव्वा दी विलादत हुई दोनों मियां बीवी जन्नत रह रहे ने अल्लाह ने फरमाया हां भाई रहो खाओ पियो जितो मर्जी जाओ आओ लेकिन वला तकरबा हाज ही शजर आता ए जेड़ा बूटा है ना ए जेड़ा बूटा है गंदम दा इदे नेड़े तुसा नहीं जाना तुसा जिथे मर्जी जाओ आओ लेकिन इदे नेड़े तुसा नहीं जाना अल्लाह हू अकबर लेकिन की है कि औरत दी एक फितरत है कि वो बार बार एक गल दा इसरार कर दी अम्मा हव्वा ने दिता मशवरा जनाब आदम अलैहि सलाम नु कि ए वेखी ते सही इत्थे की है ये है कि ये हैं वो बार बार जो तो मशवरा मिले तो फिर बंदा जरा ना फिर बंदा होंगे मायल हो गए हाँ जी क्योंकि एक मामला तो चलने सन इस वास्ते अल्लाह का नबी याद रखो खता तो पाके ईमान का हिस्सा है गल अगर अल्लाह का नबी खता तो हो तो दसो फिर इंसान बच सकता इंसान तो बच ही नहीं सकता अल्लाह के नबी मासूम होंगे इन असं कहना इजतहादी खता इजतहादी खता का मतलब होंगे जिसे अंदर माफी होंगी है गुंजाइश होंगी है क्यों ये मामला होना सी अल्लाह ने कायनात को बनाना सी अपने हबीब का जहूर फरमाना सी इस वास्ते मामला होया अल मुख्तसर गल तुहानूं दस्सिया कि वाकया बड़ा लंबा है आखिरकार वो बूटा खा लिया तो उस तो बाद फिर हाजत हो गई तो जन्नत पा के अल्लाह ने फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ते जनाब हव्वा नूं फरमाया जमीन ते तशरीफ ला जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन ते उतरे अम्मा हव्वा जनाब आदम उतरे श्रीलंका और हजरत हव्वा उतरिया जद्दा कितने उतरिया जद्दा हुण दी रिसर्च के मुताबिक जिस जगह दे जेड़े मुल्क वा उधर जमीन एक ही सी जिस जगह से जेडे मुल्क वाकया ने ना वो जगह की निशानदेही करके उलमा ने लिखी है वो इलाका केड़ा सी जिथे आदम वाले के सत्तो सलाम उतरे हूँ वो इलाका किदे कोल है किदे कोल है श्रीलंका को जिथे हजरत हव्वा उतरिया वो सऊदी अरब वो वे जद्दा दोनों जुदा ने हुण जनाबे आदम अलैहि सलातो सलाम अल्लाह अकबर कबीरा आप जमीन तो उतरे ते शर्मिंदगी सी अल्लाह दे हुक्म दी हुक्म उदली हो गई ते फिर अल्लाह दा नबी सी अल्लाह दा नबी सी आप कहंदे ने आसमान वल नहीं वेख्या इतना रोए अल्लाह दे नबी इतना रोए के कायनात अंदर कहंदे ने जितना जनाबे आदम रोए ने इन्ना अज तक कोई नहीं रोया कायनात तक कयामत तक जिन्ने रोन वाले ने अल्लाह दे हिजर विच अल्लाह दी मोहब्बत विच अल्लाह कोल माफी मांगदे होया अगर वो सारे दे आंसू इकट्ठे किते जान ते फिर भी जनाबे आदम दे आंसुआं दे बराबर नहीं हो सकदे इतना रोए हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब को माफिया मंगदे ने अल्लाह को माफिया मंगदे ने माफी नहीं पी मिलदी एक रवायत अंदर 350 साल तक अल्लाह दा नबी रोंदा रहा है रोंदा रहा है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आखिरकार एक दिन सजदे के अंदर सारे
ते याद मदीने दे ताजदार दिया गई। अल्लाह ने इल्हाम कीता, मेरे नबी दा जलवा नजर आया, मेरे नबी दा नूर नजर आया, ते जनाबे आदम अलैहिस्सलाम पड़प गए ते रो के अपनी दुआ दे अंदर अर्ज की, मौला इन्नी असअलुका बिहक्की मुहम्मद, ए मेरे परवरदिगार इस मुहम्मद मुस्तफा दे सदके, इस मुबारक हस्ती दे सदके, या अल्लाह मेरे परवरदिगार मैनू माफी दे दे, मैनू माफी दे दे, उच्चिया मेरा वाल असाया ते रब गरीब दबा अजा ते अपने फजलो करम थी खोल रहमत दा दरवाजा ऐजा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, जनाब आदम की तौबा कबूल हो गई। अल्लाह ने फरमाया मेरे आदम पहले नाम ले लंदा ते 300 साल नहीं सी होना पाना, अगर पहले मेरे यार दा नाम ले लेंदो ते 350 साल या 300 साल तेनू रोना नहीं सी पैना। प्यारे आदम हालत अपनी बख्शिश मंगी जे, अपनी माफी मंगी जे, एते ओ मेरा यार के एदे सदके मैं पहलिया नू भी बख्श देना ने अगलिया नू भी बख्श देना, मैं ते कायनात बनाई ही एदे सदके वे, मैं ते कायनात सजाई ही एदे सदके वे, मैं ते दुनिया दे मामला दी एदे सदके बनाए ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयो, जनाबे आदम अलैहि सलातो सलाम नू रब ताला ने फरमाया और सफर शुरू कर दो, सफर शुरू कर दो। अर्ज की मौला सफर कितना करना है? अल्लाह ने फरमाया जा मेरे काबे वाल सफर शुरू कर दे। काबा पहले बन गया है। अल्लाह ताला ने जनाबे आदम के हाथ अंदर कुछ कंकरियां दित्तियां, कुछ कंकरियां वड्डियां ने, कुछ कंकरियां छोटियां ने। अल्लाह ने फरमाया मेरे आदम इन्हां कंकरियां नू खलारदा जा, खलारदा जा। उलमा ने लिखिया है हदीसे मुकद्दस दा मफहूम है, जिथे वड्डी कंकरी डिगी है उथे जामिया मस्जिद बनी है, जिथे छोटी कंकरी डिगी है उथे छोटी मस्जिद बनी है। कयामत तक जमीन ते जिथे जिथे मस्जिदां बनिया ने, जिथे जिथे मस्जिदां कयामत तक बनिया ने, ए ओई जगह ने जिथे जिथे जनाब आदम दे हत्था तो डिगियां कंकरियां डिगियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब आदम एक पलाग पटदे ने, 3 मील का सफर तय हो जांदा है, 3 मील का सफर तय होंदे। लिखे मुफस्सरी ने कराम ने जिथे जिथे अल्लाह दे नबी दे कदम लगे ने, अल्लाह ताला ने उस जगह ते मुल्क ते शहर आबाद कर दिते ने, और जिथे जिथे अल्लाह दे नबी दे कदम नहीं लगे, किड़ा दरमियानी आप दे कदमा दा दरमियानी फासला है, उथे अल्लाह ने गांव ते कस्बे बना दिते ने, गांव ते कस्बे बना दिते ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामो अल मुख्तसर जनाब आदम अलैहि सलातो सलाम काबातुल्ला पहुंचे, हजरत अम्मा हव्वा दे नाल मुलाकात हो गई। नस्ले इंसानी फिर कंज बदी है, हाला हजरत आदम ने ते नाल अम्मा हव्वा है निकाह जन्नत ते हो चुकिया है, हुन जमीन ते नस्ले इंसानी दा आगाज हो रहा है। अल्लाह ताला ने एक बेटी और एक बेटा सुबह देना, एक बेटी और बेटा शाम नु पैदा होना। लिखे मुफस्सरीन ने कराम ने 5000 मरतबा
हजरत अम्मा हव्वा हामिला होया हर हमल से एक बेटी और बेटा पैदा होंदे रे और जेड़ी बेटी और बेटा सुबह पैदा होए ने लड़की और लड़का सुबह पैदा होए ने ते जड़े लड़की और लड़का शामी पैदा होए ने इन्हां दा अपोजिट आपस में शादी कर दित्ती जांदी है यानी जड़ा सुबह दा लड़का है एदी शाम दी लड़की नाल शादी कीती जांदी है जड़ी शाम दी लड़की है एदी सुबह दे लड़के नाल शादी कीती जांदी है यानी उल्ट ओ शरीयत अंदर ए जाए सी शरीयत हजरत आदम अलैहि सलाम दे अंदर ए जाए सी क्योंकि नस्ले इंसानी नु फरोग मिलना सी अल्लाह दी हिकमत सी मेरे दो तो एक दिन होया कि सुबह हजरत हव्वा दे घर एक बेटी और बेटा पैदा हुए बेटे दा नाम रखिया कबील और शाम नु एक बेटी और बेटा पैदा हुए बेटी दा नाम बेटे दा नाम रखिया हाबील और कानून ऐसी कि जड़ी लड़की सुबह पैदा हुई है ओदी शादी हाबील नाल कीती जावे जड़ा शामी पैदा होया और जड़ी शामी पैदा हुई है ओदी शादी कबील नाल कीती जावे जड़ा सुबह पैदा होया लेकिन मेरे दोस्त इंज नहीं होया कि तो कबील नु शादी वास्ते क्या गया ते अड़ गया कह लगा नहीं नहीं मैं इस लड़की नाल शादी नहीं करनी क्योंकि बज़ाहिर इतनी खूबसूरत नहीं सी रंग काला सी नै नकश इसने प्यारे नहीं सन कह लगा मैं शादी एदे नाल नहीं करनी मैं जड़ी मेरे नाल पैदा हुई है एदे नाल शादी करनी है जनाब आदम ने मना कीता पुत्तर इंज ना कर फरमाया मेरे पुत्तर इंज ना कर अल्लाह दा कानून है शरीयत है ते मैं तू कौन हो नया शरीयत के अंदर दखल अंदाजी करने वाले अल्लाह दा कानून है ते इंज ना कर मुड़ जा मुंडा अड़ी कर गया कह लगा नहीं जी मैं इहदे नाल शादी नहीं करनी मैं जड़ा ना ए जिहड़ी मेरे नाल पैदा हुई है इहदे नाल मैं शादी करनी इस वक्त मुंडा जिद्दी पै गया तो माँ बाप फिर बाद दफा मजबूर भी हो जाता जनाबे आदम अलैहि सलाम ने फरमाया फिर इंज कर दो ही बंदे सदका दबो कुर्बानी करो فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قران دے اندر سورۃ المائدہ چھٹا پارا پورا مفصل واقعہ ہے لیکن میں کوئی نہ وقت نہیں کہ میں سارا پڑھا آخر کار او اس وقت قربانی دا طریقہ اے ہوندا سی صدقہ دین دا طریقہ اے ہوندا سی کہ کوئی قربانی دا جانور جنوں اونے قربان کرنا ہوندا سی جانور یا جو یا گندم جڑی وی چیز دینی ہوندی سی اونوں پہاڑ تے رکھ دتا جاندا سی کتے رکھیا جاندا سی پہاڑ تے تے آسمان تو اگ ہوندی سی آسمان تو اگ ہوندی بجلی آنی تے جس دی اونے بجلی نے ساڑ چھڑنی نا قربانی یا صدقہ یا جڑی چیز وی ओदी कुर्बानी कबूल की जाती सी ते जिदी नू कुछ भी नहीं कहना ओदी कबूल नहीं सी की जाती ते बज़ाहिर बंदा जिदी कबूल ना होनी उन्हें लोगों के सामने जलील ते परेशान हो जाने हुण दोनों ने एक ने क्योंकि हाबील दा नाल जिहड़ा कारोबार मवेशी भी नाल काश्तकारी करदा सी नाल उन्हें मवेशी वगैरह भी रखे सन उन्हें की कीता कि उन्हें एक बकरी बकरी का बच्चा उन्हें रखिया ते जिहड़ा काबील सी उन्हें गंदम रखी ते आसमान तो बिजली आई अग आई तो हाबील दी कुर्बानी कबूल हो गई ते कबील दी कुर्बानी कबूल ना हुई आए देखो अगर ये होण हुंदा ते फिर देखो ना सरकार दे सदके कितनी रहमतां मिलदियां जिस बंदे दी कुर्बानी कबूल नहीं हुंदी वो दुनिया ते जलील हो जांदा कि इहदा माल पाक नहीं आराम खा आराम खोर बंदा है रिश्वत खोर बंदा है ये झूठा बंदा है क्योंकि इहदा माल ही कबूल नहीं अल्लाह नूं कबूल ही नहीं वो दुनिया ते ज़ार हो जांदा है फिर जिन्हें गुनाह करना किसी दे मस्जिद ते लिख करता है किसी दे दरवाजे ते लिख करता है सारियां हर किस्म का जितनिया भी मामला तय सन उन्होंने लोगों के नाल लेकिन इस उम्मत नूं अल्लाह ने इजाज की दी तेरी भी नहीं शक्लां चंगियां ओ मैं तू ते नमाज वास्ते टाइम नहीं कढ़ सकदे असी ते बहने टाइम कितने मौलवी साहब ने बस करना तो पहुंची दो गल्लां ने कि पल्ले पा जा
आए हाय कैसा वेर देखो अल्लाह ने फरमाया सोने असि परदे पा छड़ा असि इन्हां विच परदे पा छड़ा कोई गल नहीं जदों आणगे साडे कोल फिर वेख लांगे फिर वेख लांगे की करना इन्हां दा दुनिया ते परदे हराम खोरे सूद खाण वाला जंज दा भी है कुर्बानी दे रहा है खा भी रहा और फिर मजे की गल है कि वह कुर्बानी ते अग लै जांदी सी ना एक कुर्बानी खाने भी है एक कुर्बानी सगों असी ते खाने चंगी तरह खाने असी ते पहले अपनी पसंद रखने हैं ते फिर मुहर्मा तक भी कहना मौलवी साहब मुहर्मा ते खाना जायज फिर पूछना मौलवी साहब मुहर्मा ते भी खाना जायज मुहर्मा तक लै जाइए फ्रिजा पहले भर लेंगे गल पक कर आए हाय ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਤਾਂ ਕੰਨ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਦਕੇ ਵੀ ਖਾਣ ਉਲਟਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣ ਅਰੇ ਜਰਮੀ ਰਜ ਮਾਰਨ ਉਲਟਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਬੀਲ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ दिल अंदर हसद पैदा हो गया हसद लिखे मुफसिरीन इकराम ने ऐसा गुनाह है जड़ा आसमान ते भी पहला गुनाह है ते जमीन ते भी पहला गुनाह है हसद इतना बड़ा गुनाह है आसमान ते भी पहला है ते जमीन ते भी पहला है हसद वधदा गया ये मेरे तो वध गया ये मेरे तो वध गया कुरान कह रहे ला इन बसत्ता इलैया यदका लितक्तुलनी आखिरकार जिस वक्त एक कम बदा गया टुरदा गया कबील ना मन्ने आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ा मना किया लेकिन नहीं मनता पिया एक दिन उन्हें दिल अंदर इरादा किया कि मैं इन्हू नहीं छड़ना हसद बद गया ना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हसद निकिया इंज खांदा है जिस तरह सुकी लकड़ी अग खा जाती हसद के बारे एक दो मैं हदीस तुम्हें सुना देव इमाम गजाली ने लिखा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत मूसा अलैहि सलाम आपने वेख्या एक बंदा अल्लाह के अरश के साए थले अल्लाह के अरश के साए थले बड़िया करमा ते अल्लाह के फजल के थले वे पूछा या अल्लाह केड़ा नबी है कौन खुश नसीब है अल्लाह फरमाया दे अंदर तीन खूबियां एक कदी इन्हें हसद नहीं किया किसी का दुख नहीं किया दूसरा सारी जिंदगी माई बुढ़े दी नहीं टाली मां बाप दी बेअदबी नहीं की तीसरी खूबी है कि इन्हें चौका चुराया तक खड़े हो कि लोगों की पगड़ियां नहीं उछालियां ये चुगलखोर नहीं अज असी बैठ कोई कम ना हो बैठ जाने कभी वह तस्करा कभी वह तस्करा साढ़े कोई किसी बंद की बख्शिश हो सकती असं नहीं बख्शते आए हाय फरमाया तीन खूबियां ने एक ये हसद नहीं करता दूसरा माँ बाप का बेअदब नहीं तीसरी खूबी के अंदर ये कि यह चुगलखोर नहीं करीम ते लजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा एक दिन फरमाया सहाबा तुहाडे तो किसी जंती वेखना जंती वेखना जी अर्ज की या रसूल अल्लाह जंती फरमाया दुनिया ते जंती तुहानू विखाइए दुनिया ते तुहानू जंती विखाइए सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सहाबा नू फरमाया सहाबा कहंदे ने हुज़ूर ने सारे दी नज़रां जिहड़ियां ने ना ओह दरवाजे वल टेकी हुज़ूर ने फरमाया जिहड़ा बंदा आएगा ना समझो जंती है अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुसलमान भाइयों सिहाबा कहते ने सड़िए नजर दरवाजे वाले वेखिए ते सही कड़ा खुश नसीब है जिन्हें दुनिया ते जन्नत की बशारत भी मिलती है ते साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान ओ किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं दिल जी जी दिल नबी दे नजारे कोलो रचदा ही नहीं सोना ए फौजे जग विचो लभदा ही नहीं अल्लाह उपर कबीरा सिहाबा कहते ने एक सिहाबी दरवाजे के अंदर आया उन्हें अपनी जुत्ती बगल के अंदर दिती हुई है दाड़ी तो ताजे वजूदे कतरा टपक रहे ने आके बह रहा सिहाबा ने जियारत की थी ते खुश हो गए सिहाबा खुश हो गए
मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामो जनाब अब्दुल्ला आप कहते ने जिस महफल बर्खास्त हुई ए सहाबी जान लगे ते मैं अर्ज की थी चाचा मेरी अपने वालद नाल अनबन हो गई है किसे गल तो ते मैनू वालद साहब ने झगड़िया मेरे मैनू वालद साहब ने झिड़किया है अगर इजाजत होवे ते एक रात तुहाडे कोल गुजार सकना वा एक रात तुहाडे कोल गुजार सकना वा ओ कहंदे ने ठीक है बेटा कोई गल नहीं तू आ जाओ अब्दुल्ला कहंदे ने मैं देखना चाहना सा केड़ी खूबी है जिस खूबी दी बिना ते इनू लंबे चौड़े वजीफे नहीं पढ़ने पे लंबिया चौड़िया तस्वीरां नहीं पढ़निया पईया दुनिया ते ही जन्नत की बशारत लै रहे है वेखा ते सही केड़ी खूबी है आखिरकार मेरे दोस्त हजरत अब्दुल्ला कहंदे ने मैं वेखिया उन्हां हसबे मामूल नमाज मगरब पढ़ी है नमाज मगरब पढ़ के घर आ गए ने कोई कसरत ना कुरान की तिलावत नहीं कोई कसरत ना जिक्र अज़कार नहीं नमाज ईशा पढ़ी है नमाज ईशा तो बाद मनु लग गया कि सारी रात नवाफिल पढ़ने होंगे सारी रात कुरान पढ़ते होंगे सारी रात जिक्र करते होंगे के दिन मैं हैरान होया ए तो ईशा की नमाज पढ़ के आए ने बिस्तर ते सट खिया है हुजूर ते दरूद पढ़ते पढ़ते सो गए ने सुबह फजर की नमाज जमात ना जाके पढ़ी है ते मैं सुबह निकलन लगा ते इजाजत मंगी ते मैं क्या चाचा मेरी कोई लड़ाई अपने प्यो नाल नहीं सी हुई मैं सरकार दी जुबान तो सुनिया सी मैं अपने कमली वाले दी जुबान तो सुनिया सी हुजूर ने फरमाया कोई जन्नती देखना होवे ते कोई देख लवे तेरे वाल इशारा होया ते मैं देखना चाहना सा केड़ा नेक कमल है केड़ा तू करना है जिस बिना तेरा अपने दुनिया ते ही जन्नत दी बिचारत दवा दिती है मेरे जिस वक्त मैं वेखिया है ते कोई लंबे चौड़े वजीफे नहीं सारी सारी रात तिलावत ते कुरान दी तिलावत ते हिलावत नहीं मैं वेखिया बिल्कुल नमाज तो इलावा ज्यादा जिक्र अज़कार नहीं कीता ते मैं ते कोई औफोजी चीज नहीं वेखी किस वक्त अब्दुल्ला जान लगे सहाबी ने बुलाया अब्दुल्ला पुत्र गल सुन जा अब्दुल्ला कोल आए सुनी जरा अब्दुल्ला कोल आए ते अब्दुल्ला दे कंधे ते हाथ रखया ते सहाबी फरमांदे ने पुत्र अब्दुल्ला सुन ले लंबे चौड़े वजीफे मैं नहीं करदा बल से एक ही कम में मेरे दिल अंदर किसे दा दुख नहीं किसे दा हसद नहीं किसे दा कीना नहीं इस दिल अंदर अल्लाह दी मखलूक दा प्यार है अल्लाह दा प्यार है अल्लाह दे नबी दा प्यार है आज कई कर उजड़ के हसद दी नजर हो गए आज भाई भाई तो दूर हो गया बहन बहन तो दूर हो गई अगर देवरानी ने गर्मिया में तो पहले नवी फ्रिज लिए ते जठानी ने रौला पा दिता है कि पैंटा का मार कुछ भी कर मैनू भी फ्रिज चाहिए उन्हें एसी लवा ले ते मैनू भी एसी चाहिए है फलानी ने लेंटर पाए मेरा लेंटर उच्चा होना चाहिए है फलां कोल मोटरसाइकिल है मेरे कोल कार आनी चाहिए है इस हसद ने बड़े बड़े घराने तबाह कर दिते नहीं भाइयों भाइयों तो जुदा कर दिता ही इस हसद ने यार यारा को दूर कर दिते नहीं खुदा राव मेरे नबी ने फरमाया हसद करने वाला नेकिया नु जाया करता रहेंदे अपनिया नेकिया गवांदा रहेंदे इस बात से दो तक किसे नाल हसद नहीं करना बल्कि रशक करना है हसद है एक बंदे को एक चीज नेमत आ जावे दूसरा सोचे एदे कोल क्यों आई है रश कहवे अगर ओदे कोल नेमत आ गई है ते माशाल्लाह कवे सुभान अल्लाह कवे ते दुआ करे मौला इनू और अता कर दे ते मैनू भी अता कर दे इनू और अता कर दे ते मैनू भी अता कर दे मुसलमान ए हसद मेरे दोस्तों कबील के अंदर लावा फट रहा सी लावा आखिरकार कबील गुस्से में आके कहंदा मैं हबील नु कतल कर देवांगा हबील नु कतल कर देवांगा दुनिया का पहला कतल कबील ने हबील नु कीता आखिरकार फिसला के
ਕੱਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਰਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾਰਦੇ, ਕਬੀਲ ਹਬੀਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾਰਦੇ, ਹਬੀਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾਰਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਬੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਏ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਬੀਲ ਨੇ ਉਸ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਸੀਅਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਹਬੀਲ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਕਾ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਤਲੋ ਕਿਤਾਲ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਖੋਲ ਕੁਰਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਲਾ ਦਰਮੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆ ਦੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੋਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਕਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਤੋਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਬੀਲ ਵੀ ਤੇ ਹਾਬੀਲ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਲਣ ਕਰੀ ਦੇਵੇ, ਇੰਜ ਭਾਈ ਪੋਣਾ ਨਿਭਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਬੀਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਕਬੀਲ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਕਬੀਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਬਾਤ ਲਹੂ ਨਫਸੁ ਕਤਾਕੀਹ ਫਕਤ ਲਹੂ ਫਸਬਹ ਮਿਨ ਅਲ ਖਾਸਰੀਨ ਫਬਅਸ ਅੱਲਾਹ ਗੁਰਾਬਨ ਯਬਹਸੁ ਫਿਲ ਅਰਦਿ ਲਿਯੁਰੀਹੁ ਕੈਫ ਯਵਾਰੀ ਸਵਾਦਾਕੀ ਕਾਲਾ ਯਾ ਵੈਲਤਾ ਅਜਸਤੁ ਅਨ ਅਕੂਨਾ
मिथला हादल गुराबी फावार या सोताखी फासबाह मिनन नादीन। कुरान के अंदर एक साल फिरदा रहा, आखिरकार उन समझ नहीं आ रही ना रोंद कि मैं की कर बैठा, क्योंकि जिस वक्त कदर कर लगा सी थे उस औरत दी शक्ल बड़ी खूबसूरत बना के शैतान ने कबीर की नजर से पेश की थी ताकि ए भाई नु कत्ल कर दे, क्योंकि गुनाह ने करवाना सी, हुन कत्ल हो गया है, हुन कबीर की करदा पिया रोंदा भी है कि मैं की कर बैठा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मैं करांगी। आखिरकार कुरान कहता है कि दो कव्वे आए, एक कव्वे ने दूसरे कव्वे दे नाल फाइट की, लड़े दो भी आपस में, आखिरकार एक कव्वा जड़ा ना उन्हें दूसरे कव्वे नु मार दिता, ते कबीर अपने भरा की लाश रख के वेख रहा सी सब कुछ। आखिरकार जिस वक्त एक कव्वा मरिया ना, दूसरे कव्वे ने अपने पंजे दे नाल खड़ा छोटा जिहा कढ़िया तो वो अंदर उन्होंने पा के उत्ते मिट्टी पा दी। दरअसल कुरान कहता कि फिर उन्होंने दसिया, असा अल्लाह फरमाता है कि असा दसिया कि इस तरीके नाल फिर तू अपने भरा नु दफन कर, कबर फिर उत्थों बनना शुरू हुई, कबर फिर उत्थों बनना शुरू हुई इस तरीके ना मेरे दोस्तों। आखिरकार ये पहला कत्ल सी जड़ा रूहे जमीन ते होया। और फिर हुजूर फरमांदे ने कयामत तक जिन्ने कत्ल होंगे, कयामत तक जिन्ने कत्ल जुल्मन होंगे, वो जितना कत्ल करने वाले नु गुनाह उतना ही काबिल नु गुनाह मिलता जाएगा। जिस बंदे ने अच्छाई शुरू की है जिन्नी देर तक वो अच्छाई हुंदी रहेगी नेकी का काम जारी रहेगा। जड़े बंदे ने शुरू की है जिन्ना सवाब अगले नु होगा उदे नाल डबल सवाब उस बंदे नु होगा जिन्ने वो नेकी का आगाज किया। कतल नासा, फरमाया जिन्हें किसी एक नु कतल किया उन्हें समझो कि पूरी इंसानियत नु कतल किया, और जिन्हें किसी एक नु जिंदगी दी उन्हें पूरी इंसानियत नु जिंदगी दी, पूरी इंसानियत नु जिंदगी दी। इस वास्ते दोस्तों इस्लाम सिला रहमी दा दरस देता है, मुहब्बत मुहब्बत मंडो दिलों दी कदूरत आदाबत कीने हसद ये दूर करो, और एक दूसरे वास्ते अपने दिलों के बगीचे अपने दिलों के दरीचे खोल के रखो। करीम अक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के नज़दीक सब तो बड़ा अमल है किसे मोमन के दिल में खुशी न भर देना, जो तुमसे तोड़ता है उसके साथ जोड़ लो, जो तुम्हें महरूम करता है उसको अता करो, जो तुम पर जुल्म करता है उसको माफ़ कर दो। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए।